नमस्कार दोस्तों, मैं हरिश्चंद्र त्रिपाठी आपका द डॉल्फिन ट्रेडर्स के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये वीडियो है पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक, जिसमें हम आज बात करेंगे ग्रो योर मनी विद पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हमने इन्फ्लेशन समझा, हमने समझा पर्सनल फाइनेंस में कितने सारे टॉपिक्स होते हैं, बेसिक्स जो भी एकदम इनिशियल पॉइंट का होता है पर्सनल फाइनेंस को लेकर, वो हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी के लिए इन्फ्लेशन से बीट करना बहुत ज़रूरी और मुश्किल भी है, और साथ में उसको इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए और सेविंग, इन तरह के तरह तरह टॉपिक्स पे हमको डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहूँगा सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुँचे। ओके, तो मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। कंपाउंडिंग आपको बेसिकली जो आपकी सेविंग्स है उसको बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ देने का काम करती है, और वो कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब आप पैसा कुछ सेव करते हैं, आपके पास एक अमाउंट हो जाता है। अब आप उस अमाउंट को जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, उस पर कुछ रिटर्न्स मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं, वो कुछ परसेंट हो सकता है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपये है और आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर 6% रिटर्न मिल रहा है, तो आपका जो पैसा है, मान लीजिए ये एनुअल रिटर्न है, एक साल बाद आपका वही पैसा 1,06,000 हो जाएगा। ये सिंपल आपका जो सिंपल इन्वेस्टमेंट है, सिंपल इंटरेस्ट में आपको इस तरह का पैसा मिलता है। वही कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको अगले साल वही 1,06,000, यानी जो आपका मूल है 1 लाख प्लस जो आपका 6,000, इस पर मिलाकर आपको ब्याज मिलेगा या रिटर्न मिलेगा। इसी तरीके से जब अगले साल इस और आपको रिटर्न मिलेगा, ये उसमें जुड़ जाएगा और फिर से आपको पूरे सम के ऊपर फिर से रिटर्न मिलेगा। इस तरह करके करके आपका पैसा ज़्यादा ग्रो करता है, इसी को हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब समझेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था। मैंने तो नहीं सुना उनके मुंह से, मैंने भी आप ही की तरह ऐसे ही जो फाइनेंशियल कोई वीडियोस हो गई या आर्टिकल्स हो गए ऐसी जगह ही पढ़ा है, तो हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि चीज़ अच्छी है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये एक टर्म है, ये एक टॉपिक है, ये एक डिस्कशन है, ये एक डिबेट है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। ये 8th wonder है, 8th wonder, 8वां अजूबा जिसको बोलते हैं। 7 अजूबे आपने देखे हैं, कौन कौन से हैं कमेंट जरूर बताइएगा, बट लेकिन 8th wonder जिसको बोला वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्यों बोला इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन ही हु अंडरस्टैंड्स इट, जो इसको समझता है, इस 8वें अजूबे को समझता है कंपाउंड इंटरेस्ट को, वो उसको कमाता है, वो उसके पास उसको मिलता है, और जो नहीं समझता वो उसको चुकाना पड़ता है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप उसको कहीं ना कहीं चुका रहे होंगे, और अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप इससे कमा सकते हैं, क्योंकि ये 8वां अजूबा है और अजूबा कुछ भी कर सकता है। अजूबे चीज़ें कई बार आपकी लाइफ बना सकती हैं, कई बार बिगाड़ सकती हैं। ओके, तो द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, आप समझ, एक जादू देखते हैं, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इसको बोला जा रहा है। 1 लाख रुपये है तो उसका ग्रोथ 10% पर एनम के हिसाब से लगाया जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में अगले 20 सालों के लिए। देखते हैं क्या हासिल होता है। यहां पे आप देख सकते हैं नीचे ईयर्स, नीचे आप देख सकते हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब ईयर्स हैं, ठीक है। तो 20 सालों तक का यहां पे रिटर्न्स देखा जा रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1 लाख है, 1 लाख आपका आपका मूल है, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, आपको एक जगह सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरी जगह आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ध्यान रखिए, आपको मैं आपको यहाँ पे जादू मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग दिखाने वाला हूँ। दो जगह है, 1 लाख रुपए आपने दोनों जगह रखा हुआ है, एक जगह सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरी जगह कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 20 साल बाद अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता तो आपके पास 3 लाख रुपए होते, यानी कि 20 साल में आपको 2 लाख का फायदा होता, आपके मूल सब मिला के 3 लाख मिलता, ठीक। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में आप देखिए वो चीज़ 6.72 लाख बन जाती है, यानी कि
फाइनल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट का 3 लाख है और फाइनल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का 6.72 लाख है। 1 लाख इन्वेस्टेड है 20 ईयर्स के लिए, 10% अगर आपको रिटर्न मिल रहा है हर साल, ये हिसाब जो है 10% हर साल के हिसाब से मिल रहा है अगर, तब है। तो अभी आपको समझ में तो आ ही गया होगा ये चार्ट देख के कि फ़ायदा किस में है, फ़ायदा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आप उसको देखें, वो तो ज़रूरी है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैं आपको जहाँ ध्यान आपका खींचना चाहता हूँ वो उस कर्व में। कर्व देखिए आप, सिंपल इंटरेस्ट में लाइन सीधे जाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए कर्व ऐसे जाता है, ऐसे। 8वां अजूबा है ना, क्योंकि जैसे जैसे और ये साल बढ़ेगा कितना ज़्यादा वो अमाउंट हो जाएगा। तो अगर आप 1 लाख कर रहे हैं तो आपको 20 साल बाद वो 6.72 लाख बनेगा, और वहीं अमाउंट जितना ज़्यादा होता है आपको उससे ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये है 8th wonder। ओके, अब हम रूल ऑफ थंब समझते हैं, थंब रूल्स समझते हैं कंपाउंडिंग की। तो आप कंजर्वेटिव हैं, बचबुचा के चलने वाले इन्वेस्टर हैं, या मॉडरेट थोड़ा रिस्क, या फिर अग्रेसिव बहुत ज़्यादा रिस्की, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो 3 रूल्स हैं, 3 थंब ऑफ 72, रूल ऑफ 72, जिसमें आपको पता लगता है कि आपका पैसा दुगना कब तक आपका हो जाएगा। कैसे चलता है तो मैं आपको बताता हूँ। आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पे आपको कितना प्रतिशत रिटर्न मिल रहा है, आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है या रिटर्न मिल रहा है, आरओआई कितना मिल रहा है, वो आपको चाहिए होगा। तो अगर आप उसको 72 से डिवाइड करते हैं तो जितना भी टाइम पीरियड आता है, जैसे यहाँ पे 72 को अगर मान लेते हैं कि आपको 9% का गिवन रेट ऑफ रिटर्न है, तो 8 साल लगेगा पैसा डबल होने में। रूल ऑफ 72 ये कहता है। रूल ऑफ 114 क्या कहता है कि 114 से अगर आप रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड करते हैं तो आपको पता लग जाएगा, जितना भी टाइम पीरियड आएगा वो बताता है कि पैसा आपका 3 गुना कब तक हो जाएगा। वहीं जो रूल ऑफ 144 है वो बताता है कि आपका पैसा 4 गुनी विकास कब तक करेगा, यानी कि 4 गुना कब तक हो जाएगा। तो आपका जो भी रिटर्न मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न, अगर आप 144 से उसको डिवाइड करोगे रेट ऑफ रिटर्न से, तो जो भी टाइम पीरियड आएगा पता चल जाएगा आपको कि कितने आपका टाइम लगेगा पैसे को 4 गुना बनाने में। तो यहाँ पे 8 साल निकलता है, यहाँ तकरीबन 12.5 साल, और यहाँ पे 16 साल, यानी कि 16 साल लग जाएंगे पैसे, 9% अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो 16 साल में आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। तो ये थे कुछ रूल्स। इसके अलावा कैलकुलेटर है एक, जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहद मस्त कैलकुलेटर है, आप जाके देखेंगे वहाँ पे आपको तो बहुत कुछ सॉल्व जैसा चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको ये लिंक हो सकता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाए यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर कीजिएगा एक बार। ओके, तो कैलकुलेटर है ये, और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने वीडियो, इस जो वीडियो है ये आपके लिए ही है, तो लाइक ज़रूर करें और इसको कमेंट कीजिए कोई भी डाउट हो, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनका भी पर्सनल फाइनेंस में दिल लगना चाहिए, क्योंकि आज दिल नहीं लगाओगे इससे तो कल पछताना पड़ेगा, इसीलिए ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में पर्सनल फाइनेंस की, तब तक के लिए जय हिंद।